हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बंस लोचन के बारे में। मैंने बंस लोचन के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि बंस लोचन जो है प्रेग्नेंट लेडी को बंस लोचन जो है क्यों खाना चाहिए, क्यों जरूरी होता है, मतलब क्यों लोग प्रेफर करते हैं कि आपको बंस लोचन खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो किन्हीं का कॉमेंट आया था कि मैम उसको कैसे खा सकते हैं, मतलब बंस लोचन को निगल कैसे, कोई कैसे निगल सकता है। तो आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग बंस लोचन को खा सकते हैं, किस टाइम पर खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो सलाह देते हैं कि आपको बंस लोचन खाना चाहिए। वैसे डॉक्टर लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं कि बंस लोचन खाइए, ये खाइए, वो खाइए, क्योंकि डॉक्टर लोग तो है वो जो मार्केट में जो दवाई होती है वही लोग जो है वो देते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में जो है आज से कुछ साल पहले जैसे ज्यादा दवाई जो नहीं होता था, आजकल तो जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो आयरन का गोली, कैल्शियम का गोली, मल्टीविटामिन, बहुत सारी दवाइयां जो है डॉक्टर जो है लिख देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में दवाइयां नहीं होती थी तो लोग जो है नेचुरल तरीके से ही, मतलब नेचुरल तरीके से जो है जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है उसको नेचुरल तरीके से लेते थे। तो उसी में से एक बंस लोचन है। बंस लोचन जो है क्या होता है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इजी लाइफ कॉर्नर। तो सबसे पहली चीज़ है कि बंस लोचन जो है वो होता क्या है। देखिए, बंस लोचन जो है जैसा कि नाम से इसे, मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है बंस लोचन, मतलब ये बांस में पाया जाता है और ये इसका फॉर्मेशन जो होता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता है। बाहर से अगर लोग मिला दें उसका कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन नेचुरल तरीके से इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता और ये नेचुरली फॉर्मेशन, मतलब इसका फॉर्मेशन जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है बांस में। बांस का जो पेड़ होता है यानी बम्बू का ट्री होता है उसमें इसे मतलब पाया जाता है बंस लोचन, और इसका फॉर्मेशन नेचुरल तरीके से होता है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं होता है। और इसे प्रेग्नेंट लेडी को खाने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कैल्शियम जो होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है, और जब लोग प्रेग्नेंट होती है, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें को आयरन, कैल्शियम, मल्टी विटामिन ये सब की ज़रूरत पड़ती है। और पुराने ज़माने में तो दवाइयाँ होती नहीं थी तो लोग इसीलिए लोग कहते थे कि बंस लोचन खाइए। और आज लोग इसीलिए, आज के लोग भी जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बोला जाता है कि आप बंस लोचन खाइए, लेकिन डॉक्टर लोग आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप बंस लोचन खाइए, वो लोग तो दवाई देते हैं। तो बंस लोचन जो है इसीलिए हम लोग जो है प्रेग्नेंट लेडी को लोग कहा जाता है कि आप बंस लोचन खाइए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में जो है वो कैल्शियम होता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि पुराने ज़माने के लोग ये भी कहते थे कि बंस लोचन इसीलिए लोग प्रेग्नेंट लेडी को खिलाते हैं क्योंकि बंस जो है लेडी जो होती है, घर की जो लेडी है वही जो है वंश वृद्धि वही करवाती है, वंश जो है खानदान जो है बढ़ाने का काम जो करती है वो एक लेडी ही करती है। तो जब बंस लोचन जो है खिलाया जाता है क्योंकि उसका वंश जो है वृद्धि करे, वंश वृद्धि करे मीन्स जो वंश का प्रभाव जो है उस बच्चे पे, जो लेडी प्रेग्नेंट है उनके पेट में जो बच्चा है उस पे उनका वंश का प्रभाव आए, इसीलिए बंस लोचन जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को खिलाया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और कितना प्रभाव आता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बंस लोचन जो है इस रीजन से भी लोग खिलाते थे पहले के लोग, और आजकल भी लोग मतलब सलाह देते हैं बंस लोचन का। कि मैं खुद जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बंस लोचन जो है खाती थी, वो बिल्कुल मतलब अब है कि बंस लोचन वो है किस तरह से दिखता है और किस तरह से उसको खाना है। देखिए, बंस लोचन जो है आपको मार्केट में कहीं भी ढूंढने जाइएगा ये आपको मिल जाएगा, और गूगल भी कीजिएगा तो भी आपको दिख जाएगा ये कैसा होता है। बिल्कुल व्हाइट कलर का, हल्का व्हाइट कलर का होता है और इसका दाना जो होता है छोटा छोटा होता है, बिल्कुल कटा मिश्री की तरह दिखेगा, कटा मिश्री की तरह होता है। थोड़ा सा इसका जो मतलब कलर होता है हल्का सा कटा मिश्री से थोड़ा सा डल होता है और थोड़ा सा राउंड टाइप में होता है, लेकिन कटा मिश्री जैसा ही दिखता है। लेकिन इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टलेस होता है और खाने में भी आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों को खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम होता है। और इसका यूज जो है बहुत सारी दवाइयों में, जो हम लोग मल्टी विटामिन खाते हैं, जो कैल्शियम का गोली खाते हैं उसमें भी शायद यूज होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है और बहुत सारी दवाइयां जो है इससे बनती है। चमनप्राश ले लीजिए, उसमें भी हम लोग जो है इसको यूज करते हैं।
मतलब वंशलोचन का यूज किया जाता है। ऐसे भी नॉर्मल जो भी लेडी है या फिर कोई भी वंशलोचन को खा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, और कोई भी ग्रोसरी शॉप पे आपको इजीली मिल जाता है, या फिर कोई भी जड़ी बूटी का दुकान है वहाँ पे वंशलोचन ढूंढिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इंग्लिश इसका नेम क्या है मुझे पता नहीं, बस शायद वंशलोचन ही है, तो आप वंशलोचन कहीं भी मांगिएगा तो आपको मिल जाएगा। और हर प्रेग्नेंट लेडी को खाना भी चाहिए, क्योंकि ये मतलब साइड दवाई है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बनता है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है कि इसको खाने से मेरे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप डॉक्टर से एक बार कॉन्टैक्ट मतलब पूछ सकते हैं, कोई भी डॉक्टर जिससे भी आप कॉन्टैक्ट में है, जिससे भी आप रूटीन चेकअप करवाते हैं उससे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद खाई थी और इसका खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब है कि इसको किस तरह से लेना चाहिए, तो आपको ये जो है आप एक डब्बा में मिल जाता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, उसको आपको करना क्या है, उसको आपको पीस लेना है। आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर छोटा छोटा दाना होता है तो डायरेक्ट भी उसे आप अगर पॉसिबल हो तो खा सकते हैं। इन्हीं का कमेंट आता है क्योंकि उसको कैसे निगल सकते हैं, तो देखिए कैसे निगलना है। आप इसको हाथ पे दो तीन दाना लेंगे साथ में, आप डायरेक्ट अगर नहीं निगल पाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, तो आप उसमें चीनी मिला लीजिए या फिर गुड़ मिला लीजिए या फिर कटा हुआ मिश्री जो है उसको उसमें मिक्स कर लीजिए और उसके दोनों साथ में खाइएगा, तो जो है उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा और आपको फायदा भी करेगा। आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं या फिर आप उसे पीस लीजिए मिक्सर में या फिर सिलबट्टे पे कहीं पे भी उसका जो है उसको पीस लीजिए और उसमें साथ में मिश्री भी उसमें पीस कर मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, उसको एक मिक्सर बना के आप रख लीजिए और उसको डेली सुबह सुबह आप खाली पेट खाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आप कभी भी इसे खा सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर इसे खाली पेट ही खाती थी। एक चम्मच आपको सुबह शाम खाइए, आपका जो है कैल्शियम जो है इससे बढ़ता है, बॉडी में कैल्शियम की अगर कमी होती है तो भी लोग इसे प्रेफर करते हैं, तो आप इसे खा सकते हैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होता है और महिलाओं को लोग खाने के लिए इसीलिए जो है सलाह देते हैं, क्योंकि वंशलोचन जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं को है बहुत सारी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और ये पोषक तत्व जो है पूरा करता है, कैल्शियम का इसमें भरपूर मात्रा में होता है और इसीलिए लोग वंशलोचन खाने की सलाह देते हैं। और इसे किस तरह से खाना है इस मैं इसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसे खाना जो है बिल्कुल आसान है, बहुत सारा लोग पाउडर की तरह रहता है तो नहीं खा पाते, तो आप चम्मच लीजिए और साथ में पानी भी लीजिए और मुँह में लेकर पानी के साथ निगल जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जिनको खाने से ही प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता है, और जिनको खाने में इंटरेस्ट है जो खा लेते हैं उनके लिए मतलब बहुत ईजी है। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से खा लेती थी। हाँ थोड़ा सा टेस्ट इसका गंदा लगता है, खाने के बाद थोड़ा सा आपका मन भी खराब लग सकता है, तो आप खाने के बाद कुछ भी मतलब अगर है तो मीठा कुछ ले सकते हैं या फिर खट्टा जो टॉफी आता है उसको भी आप ले सकते हैं, तो इस तरह से आप वंशलोचन को खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि किस तरह से हमें वंशलोचन को खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बीवी का ध्यान जरूर रखें।